नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये सोनी का CRT टीवी है। देख सकते हैं इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के बाद मेरे पास आया और ये 6607 जो है 60 मिला मुझे, लेकिन सेकेंडरी में ये PF 110 वोल्ट की जो सप्लाई है उस डायोड के पैरेलल में लगा हुआ था, लेकिन ये धुआं मुझे पहले नहीं दिखाई दिया। जब मैं इसको 110 वोल्ट अलग से दिया तो ये फायर हुआ, लेकिन उससे पहले ये आपका लाइफ इसकी ख़त्म हो चुकी है। ये 60 हो चुका है पिन नंबर 1 की तरफ से। ऐसे में मेरे पास जितने भी पड़े हुए थे इस पैकेट के अंदर, तो ये सब के सब खराब ही है, एक भी सही नहीं निकला इसमें से। आखिरी में हार के मैंने ये मॉड्यूल लगाया, लेकिन इसमें फ्लैक्चुएट था तो इसको साइड कर दिया। आखिरी में फिर हमने 380R जो STR है इसको लगाया, तो इसमें पहले मैंने ये रेजिस्टेंस 120 के का दो लगाया, लेकिन इसमें भी बात नहीं बनी। आखिरी में मुझे 33 के 33 के और UPC 74J जो 33 वोल्ट का जीनर होता है, जो ट्यूनर के सप्लाई के लिए होता है, इससे लेके मैंने इसको फिक्स किया है। और बाकी अंदर जो है ऑटो कपलर का 104 PF लगा के और जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमने कर दिया है, लेकिन ये मुझे बहुत परेशान किया है सेट, काफ़ी देर लग गया। जो आजकल मॉडिफाई करके जो हमें सर्किट दिया गया है 380R का, वो बिल्कुल ही काम नहीं किया। आखिरी में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन कामयाबी मिला और इस तरीके से हमने इस सेट पे विजय पाया। तो आप देखिए लाल बत्ती की तरफ, ये मैंने प्लग इन कर दिया, सेट हमारा चल गया है, ना कोई फ्लेक्चुएस है ना कोई कुछ। अब आप देखिए स्क्रीन की तरफ, यहाँ जो है पिक्चर बन चुका है। तो हमारा सेट ओके हुआ। तो इस तरह से 380R पहली बार हमने इस पे लगाया है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।